Hello students and welcome back to Business Studies class. Today we are going to start the next leadership styles of our chapter 7. There are three types of leadership style. We had already completed autocratic. मैंने आपको autocratic leadership style के बारे में बता दिया था कि autocratic का मतलब क्या होता है. जहाँ पे आपकी organization के अंदर आपका leader खुद सारे decisions लेता है. Leader भी क्या ले रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. वेयर एज नाउ टुडे वी विल डिस्कस डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? व्हेन लीडर इज टेकिंग सजेशंस और लीडर इज कंसल्टिंग विद द सबॉर्डिनेट्स, दैट मीन्स दैट लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. जहाँ पे आपका जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट से क्या ले रहा है, कुछ सजेशंस ले रहा है, उनके साथ कंसल्ट कर रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, आपका जो लीडर है वो क्या कर रहा है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सबॉर्डिनेट के साथ सजेशंस ले रहा है, उनके साथ कंसल्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक. अब डेमोक्रेटिक के अंदर आपका जो लीडर होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन यूज करता है. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट्स के पास कुछ छोटी मोटी पावर्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स हमने उन्हें नहीं दी, पर हाँ उनके पास पावर्स हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स वेन यू आर delegating some powers to your subordinates, that means it is decentralization. तो यहाँ पे जब आपका लीडर क्या कर रहा है, कुछ सजेशंस ले रहा है अपने ही सबॉर्डिनेट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल उस ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं, आपके सबॉर्डिनेट सजेशंस देने के लिए सूटेबल, जहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट सजेशंस देने के लिए सूटेबल है, और आपके इम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होता है, एक मोरल बूस्ट होता है, मोटिवेशन आता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब बेसिकली इस स्टाइल के अंदर अगर कोई भी आपके इम्प्लॉय को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन किससे लेता है, कंसल्ट करके एम्प्लॉय से. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है मिस्टर राजीव, उसने क्या करा, उसके फेस्टिवल सीजन था, तो फेस्टिवल सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपनी में ऑर्डर्स आ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करा कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे हम ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकें. तो वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ ने उसे सजेशन दिया कि हम लोग ओवर टाइम करते हैं, अगर हम लोग ओवर टाइम करेंगे तो हम ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे. तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करा है, ठीक है, यहाँ पे क्या करा, उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट किया, उनको भी उसने डिसीजन मेकिंग में कि आप भी डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग मतलब उसने हेल्प ली है अपने सबॉर्डिनेट्स की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स खुद डिसीजंस लेता है, जहाँ पे सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, सबॉर्डिनेट खुद ले रहा है. एक लीडर क्या कर रहा है, लीडर सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है. कौन सी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो उसे टॉप लेवल ने दी है, वो इंफॉर्मेशन जो उसे टॉप लेवल ने दी है, वो इंफॉर्मेशन कौन पास कर रहा है, लीडर पास कर रहा है सबॉर्डिनेट को. और अगर सबॉर्डिनेट को कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो वो रिसोर्सेज कौन अवेलेबल करा रहा है, आपका लीडर. तो यहाँ पे लीडर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टैक्ट होता है सबॉर्डिनेट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो लीडर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन सबॉर्डिनेट को पास करता है. सबॉर्डिनेट को कोई भी ऑर्डर चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज कौन अवेलेबल कराता है, इसका लीडर. तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्टैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन और इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपका जो सबॉर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में लिंक कौन है, आपका लीडर. मान लो ये आपका लीडर है, ठीक है, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट है. तो ये जो लीडर है ये काम क्या कर रहा है, बस ये इस ऑर्गेनाइजेशन और इस लीडर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, एक लिंक. ना तो ये लीडर कोई डायरेक्शंस दे रहा है, ना ये लीडर कोई डिसीजंस बना रहा है, ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, खुद सारे डिसीजंस सबॉर्डिनेट्स खुद ले रहे हैं. अब ये कहाँ
पे फायदा होता है इस लीडरशिप स्टाइल का, कहाँ पे एडवांटेज होता है? जहाँ पे आपका एम्प्लॉई वेल ट्रेंड हो, जहाँ पे आपका जो सबॉर्डिनेट है वो वेल ट्रेंड हो, उसको किसी की भी मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद इतना कैपेबल है कि खुद से डिसीजन ले सकता है और काम कर सकता है, तो जहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है, वहाँ पे आपको फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको ये दो लीडरशिप स्टाइल्स कंप्लीट कराई हैं। एक तो है आपका डेमोक्रेटिक, जहाँ पे क्या कर रहा है आपका लीडर, सजेशंस ले रहा है, डिसीजन तो लीडर ही लेगा पर पहले वो क्या करेगा, सजेशंस लेगा अपने एम्प्लॉयज से और उसके बाद उनसे कंसल्ट करके कोई डिसीजन लेगा। और फ्री रेन के अंदर सबॉर्डिनेट्स खुद क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पे उन्हें लीडर की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। थैंक यू सो मच।